अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तैयार करेंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल पालक पनीर, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने एक गड्डी पालक की भाजी ले ली है और उसे मैंने इस तरह उसके पत्ते कट कर लिए। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 बड़े गिलास पानी ले। पानी हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है, उसके अंदर हम इस तरह की पालक की भाजी डाल देंगे। इस तरह हम उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह हम उबलने देंगे, ताकि इसमें जो स्मेल आती है ना मिट्टी की, वो भी निकल जाए और इसके अंदर की जो मिट्टी है वो भी साफ़ हो जाए। अब इसे हम निकाल लेंगे और एकदम बहुत ही ठंडे पानी में डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पालक की भाजी का कलर चेंज नहीं होगा। अब उसे हम मिक्सी के बर्तन में डाल देंगे। उसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इसे अच्छे से पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, उसमें मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियां डाल दी। इसे हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। उसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे, उसे भी अच्छी तरह हम तड़कने देंगे। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज। इसे हम अच्छी तरह गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारी प्याज भी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब उसमें हम 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे। अब उसे भी हम अच्छी तरह सॉफ्ट होने देंगे। उसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। उसे भी हम अच्छी तरह भून लेंगे, उसका कच्चापन निकल जाए तब तक हम उसे अच्छी तरह भून लेंगे। अब उसमें हम मसाले डालेंगे, 1 चम्मच लाल तीखी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला। इसे भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब उसमें हमने पीसी हुई पालक डाल देंगे। अब उसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्सर के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। उसमें 2 चम्मच दही डाल देंगे। दही से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब उसमें हम पनीर डाल देंगे। पनीर को भी मैंने इस तरह स्क्यूब के तरह कट कर लिया है, उसे भी हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन का आटा, उसे मैंने पानी में घोल लिया था। अब इसे हम अच्छे से हिला लेंगे। बेसन से क्या होता है, हमारी भाजी ऐसी मिल कर आती है, ऐसी भाजी अलग पानी अलग इस तरह का नहीं होता है। अब उसे हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम प्लेटिंग करेंगे। ये पालक पनीर बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ, हेल्दी और टेस्टी। अब इसके ऊपर हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे। फ्रेश क्रीम से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।